मेहनत करें और भाग्यशाली बने। ऑडियो बुक बाय मिलियनेयर माइंड्स। एक पुरानी बात है जो बिल्कुल सच है, जितनी ज़्यादा मेहनत करूँगा उतना ही मैं भाग्यशाली बनूँगा। जो खुद की मदद करते हैं जीवन भी उसी की मदद करता है। यह बात मैंने अपने निजी जीवन से सीखी है। मैं उन नए जमानों के इंसानों में से नहीं हूँ जो यह कहते हैं कि यह तो होना ही है। अपना जीवन अदृश्य शक्ति के हाथों में है और वह जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। इस तरह के वक्तव्य को पीड़ित के कहने की गंध आती है और एक डर भी नज़र आता है। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, अच्छा काम ना होने का डर, सफलता का डर। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सिर्फ वही करते हैं जो काम के प्रति गैर जिम्मेदाराना होते हैं और काम करने से डरते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमें उस वक्त मदद करती है जब हमें बेहद ज़रूरत होती है और हम किसी से अपेक्षा नहीं कर रहे होते। मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि अपने जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उसे बहुत ही बुद्धिमानी से रचा गया है जिससे एक सुसंगति होती है। लेकिन मैं इस बात पर भी गहनता से यकीन करता हूँ कि हमें निर्णय लेने की जो ताकत और स्वतंत्रता मिली है वह सिर्फ एक ही कारण के लिए है और वह है उन पर अमल करने के लिए। मुझे विश्वास है कि हम जीवन से जो लेते हैं वही जीवन के लिए देते भी हैं। मैं मानता हूँ कि अच्छी बातें सिर्फ उन्हीं के साथ होती हैं जो प्रयास करते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं और निजी और पेशेवर महानता की जरूरत के लिए त्याग नहीं करते बल्कि उसकी मांग करते हैं। मैंने यह भी देखा है कि जो परिणामों के लिए कार्य करते हैं, और अच्छी बात यह है कि अच्छे मेहनती काम के माध्यम से अधिक सफलता पाते हैं। जीवन के प्रति समर्पित होने पर ही उससे समर्थन मिलता है। जिन सफल और महान लोगों के साथ मैंने एक नेतृत्व कोच के रूप में काम किया है उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो अपने प्रतिस्पर्धी से बेहतर काम ना करता हो। जब अन्य लोग घर पर बैठकर टीवी देखते हैं या सोते रहते हैं उस वक्त ये महान लोग जिन्होंने विश्व के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है जल्दी उठते हैं, काम शुरू करते हैं और जीवन में सपना पूरा करने के लिए कितने समर्पित हैं यह दिखा देते हैं। मैं एक पल भी काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने की बात को नकारना नहीं चाहता। काम करने के साथ ही अपने परिजनों के साथ समय बिताना अपनी आत्मा के लिए जरूरी है। इस मूल्य को स्वीकारने के लिए उठकर सबसे पहले मैं खड़ा होना चाहूँगा। बेहतरीन स्थान पाने के लिए बेहतरीन काम करना जरूरी है। यह प्रकृति का नियम है जो सदियों से चला आ रहा है। एक नेतृत्व कोच के रूप में मैंने जिन महान सफल लोगों के साथ काम किया है वह उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसने अपने प्रतिस्पर्धी से बेहतर काम करके ना दिखाया हो। एक नेतृत्व कोच के रूप में मैंने जिन महान सफल लोगों के साथ काम किया है वह उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसने अपने प्रतिस्पर्धी से बेहतर काम करके ना दिखाया हो। वेरिजॉन कंपनी के सीईओ इवॉन सेडनबर्ग ने एक कहानी बताई है जो इस तरह है। मेरा पहला बॉस बिल्डिंग सुपरटेंडेंट था और मैं बाहर खड़ा रहने वाला लड़का। उसने मुझे लगभग एक साल तक फर्श और दीवारें साफ करते हुए देखा था। उसने मुझसे कहा कि अगर मुझे फ़ोन कंपनी में काम करना है तो मुझे शिक्षा लेनी होगी। जब मैंने उनसे पूछा कि इसके लिए आपने इतनी देरी क्यों की तो उन्होंने कहा, मैं यह देखना चाहता था कि तुम इसके लायक हो भी या नहीं। और टाइम वॉर्नर के सीईओ डिक पार्सनस ने भी यह बात कही है कि सबसे अच्छी सलाह उसे अपनी दीदी से मिली थी। दीदी ने उससे यह कहा था कि आदमी जो बोता है उसी को पाता है, इसीलिए अपना बीज खुद ही बोएं। आप जो करेंगे उसे शानदार तरीके से करें, अपने जुनून को दिल में रखें और अपना दिल हाथ में लेकर कड़ी मेहनत करें। कड़ी मेहनत की वजह से ही दरवाज़ा खुलता है और लोगों को यह बता देता है कि आप बेहद दुर्लभ और विशेष हैं जो अपने काम के प्रति गंभीर हैं और अपनी प्रतिभा का पूर्ण और बेहतर उपयोग करते हैं। इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।